तो दोस्तों भारत ने काफी लंबे समय के बाद बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, जिसके बाद भारत के अंदर स्पेस कंपोनेंट्स को निर्यात करने वाले देशों को कई अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वदेशीकरण मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, और अब इसी के चलते भारत के जो भी बड़े स्पेस लॉन्चर है जैसे कि PSLV, GSLV, अब इन सभी को बनाने के लिए जो सामग्री है वो पूर्ण स्वदेशीकरण तरीके से यूज की जाएगी। यहां तक कि इनको बनाने के लिए देश की बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां भी इन्वॉल्व होने वाली हैं, जहां पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर तीन तीन कंपनियों के पेयर्स तैयार कर दिए हैं, जिनके बाद कंपनियां बेहद ही ज्यादा आसानी से अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करके इन लॉन्चर्स को तैयार कर पाएंगी। जहां पर कुछ समय पहले स्पेस PSU न्यू स्पेस इंडिया ने कुछ कमर्शियल बिड्स को इनवाइट किया था, जहां पर इन्हीं को मैन्युफैक्चर करने के लिए अब तीन तीन कंपनियों के पेयर बनाए गए हैं, जिस पहले पेयर में शामिल हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड LNT और तीसरी है BHEL। और बात करें हम तीसरे पेयर के बारे में, तो यहां पर BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अडानी अल्फा और डिजाइनिंग BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जहां पर पहले को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है लगभग 824 करोड़ रुपए का। वहीं BHEL जो कि सारे के सारे पावर इक्विपमेंट्स को सप्लाई करने वाली है, इनको दिया गया है 1229 करोड़ रुपए का। वहीं थर्ड ग्रुप को दिया गया है लगभग 1218 करोड़ रुपए का टेंडर, जहां पर साफ शब्दों में बता दिया गया है कि सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग स्वदेशीकरण तरीके से भारत में की जाएगी। A to Z सारे के सारे कंपोनेंट्स भी भारत में बना करके तैयार किए जाएंगे। जहां पर जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 2019 में ही की गई थी, लेकिन कोरोना के चलते इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा डिले किया गया, लेकिन अब काफी समय के बाद इसको फिर से रिन्यू किया गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सभी कंपनियां काफी लंबे समय से स्पेस के लिए काम कर रही हैं, लेकिन अब पूरा का पूरा मेड इन इंडिया के तहत काम किया जाएगा। इसी के साथ में अडानी अल्फा की अलग अलग यूनिट जो कि बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, इन सभी को यूज करके PSLV की 15% मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ही हाथ में रही है। वहीं 1993 सितंबर से PSLV ने अपनी पहली उड़ान भरी थी, और उसके बाद से 50 से भी ज्यादा स्पेस मिशन किए जा चुके हैं, जिनमें चंद्रयान 1, मार्स ऑर्बिट मिशन, देसी और विदेशी बहुत सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है, और इनमें भारतीय कंपनियों ने बढ़ चढ़ के योगदान दिया है। लेकिन अब बात आ चुकी है स्वदेशीकरण मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, जिसमें अब तीन तीन कंपनियों के ग्रुप्स काम करेंगे और कम्प्लीटली मैन्युफैक्चरिंग स्वदेशीकरण तरीके से की जाएगी। फिलहाल भारत सरकार के इस डिसीजन के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।